प्यारे बच्चों, दिनांक 31 जुलाई 2022 को लेखपाल का मुख्य एग्जामिनेशन था और उसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था काफ़ी आसान आया था। पूरे अगर पेपर की बात करें तो पेपर के सारे पार्ट आसान थे, केवल कुछ पार्ट छोड़ दिया जाए, जैसे ग्रामीण परिवेश वगैरह छोड़ दिया जाए तो सारा पार्ट आसान ही कहा जाएगा। फिलहाल इस समय मैं मैथमेटिक्स के पेपर को सॉल्व करने जा रहा हूँ और ये एक तरह से इसका विस्तृत हल होगा। आप लोग इसको मिला भी सकते हैं और इसका पूरा सलूशन देख भी सकते हैं। देखिए, एक एक हमारे पास यहाँ पर सीरीज है, उसमें क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट है। 18 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3 × 9 ये है। तो हमें बॉडमॉस नियम पे जाना होगा। बॉडमॉस नियम क्या कहता है? पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट है नहीं, फिर ऑफ सॉल्व करो, ऑफ मतलब का, ये भी नहीं है, फिर डिवाइड पे सॉल्व करो, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई प्लस और फिर माइनस। तो डिवाइड पहले सॉल्व होगा इसमें से, तो डिवाइड का मतलब 15 डिवाइडेड बाई 3। 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और फिर हमारा ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। फिर गुणा सॉल्व करना है, फिर 18 प्लस 5 = 45 और 45 में 18 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 63। तो ये वाला हमारा आंसर सही है, जिसने भी लगाया है वो सही उत्तर लगाया है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है कि 15 संख्याओं का माध्य 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? माध्य और औसत एक ही चीज़ है और ये हम अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते भी हैं कि अगर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं और उनका औसत कुछ दिया गया है तो अगर संख्याओं में अगर कुछ भी जोड़ते हैं सभी संख्याओं में तो औसत में भी उतना जुड़ जाता है, यानी जोड़ घटाना गुणा और भाग अगर हम संख्याओं में करते हैं तो समान रूप से, तो उसके औसत पर भी उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना संख्याओं में हम करेंगे, जो जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि माध्य 30 दिया है, यानी औसत 30 दिया है, और अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो औसत भी 3 से बढ़ जाएगा, इसलिए इसका नया औसत हो जाएगा 33। ये भी सही लगा हुआ है। फिर बहुलक का क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुलक है 3 4 4, 3 6 7 7 4। तो बहुलक यानी कि जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही बहुलक होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 जो है वो 2 बार दिख रहा है, 1 3 बार दिख रहा है, यहाँ पर 3 जो है 1 2 3 और ये 4, 4 बार 3 है, इसलिए सबसे ज़्यादा बार 3 आने की वजह से 3 ही इसका बहुलक है। हम ये नहीं देखेंगे कितना बार आ रहा है वो उत्तर नहीं होगा, कौन ज़्यादा बार आ रहा है वो उत्तर होगा, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है 13 15 12 21 10 14 12 की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका जो होता है उसमें माध्यिका निकालने के लिए हमें संख्याओं को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो संख्या बीचों बीच में होगी वो माध्यिका होगी। तो यहाँ देखते हैं कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 संख्याएं हैं। तो 7 संख्या में अगर बीचों बीच में देखें तो 1 2 3 और 4 5 6 7, तो ये जो चौथी संख्या है यही बीचों बीच में पड़ेगा। तो इसको हम देख लेते हैं शुरुआत से, अगर हम स्टार्टिंग से इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे यानी कि बढ़ते क्रम में, तो पहले आएगा 10, तो 10 हो गया, फिर आएगा 12, फिर 12 और फिर आएगा 13, यही चौथे नंबर पे आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। सारे संख्याओं को लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हमें देखना है कि चौथे नंबर पे कौन संख्या है वही हमारा माध्यिका हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका आधार 28 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप ज्ञात आधार 18 है, सॉरी 28 नहीं 18, 18 है, तो परिमाप क्या होगा? तो 18 18 18 तीनों में हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 54, तीनों जुड़ जाएगा, यही परिमाप हो जाएगा, सॉरी ये वाला है।
तो इस तरह से जो है परिमाप चौक बना दिया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए 30 के बाद आ गया इधर 31 है, 31। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 और चौड़ाई, बहुत आसान, लंबाई गुणे चौड़ाई कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, 12 को 11 से गुणा करेंगे 132 आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए संचयी बारंबारता बंटन दिया गया है, संचयी बारंबारता बंटन बंटन में से क्या निकालनी है, वर्ग की बारंबारता अधिकतम है, तो इस तरह से दिया हुआ है 10 से 12, 13 से संचयी है, संचयी बारंबारता है ये, तो संचयी बारंबारता से अगर बारंबारता निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहली बात तो 3 ही होगा, फिर 8 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, फिर 15 में से 8 घटाएंगे तो 8 जाएगा 7, 15 में से 25 में से 15 घटाएंगे 10 आएगा, 33 में से 25 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8, इस तरह से ये इसकी बारंबारता हो गई, बारंबारता, तो बारंबारता में सर्वाधिक बारंबारता इसका है 19 से 20 का, यानी कि 25 वाले का। तो इस तरह से पूछा क्या गया है, संचयी बारंबारता बंटन दिया गया है, निम्नलिखित किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है, तो ये हो जाएगा 19 से 21 वाले का बारंबारता सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है 22 40 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी मैं अपने ऑफलाइन क्लास में मैंने कई बार पढ़ाया है, 22 40 का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे, दो से काटेंगे, दो की पावर 6 है, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, फिर 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1 आएगा। यहाँ जोड़ लेंगे हम, 2 की पावर 0 1 होता है, 1 प्लस 2 प्लस 4 इसका उत्तर हो जाएगा 60 96। थोड़ा तो सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नीचे दिया गया बार ग्राफ 1991 से 1999 तक एक कंपनी की कमाई दिखाता है, इसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दें। उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें कंपनी की आय औसत से कम रही है और जिनकी आय औसत से अधिक रही है का अनुपात। अब देखिए इनका हम औसत निकाल लें, दोस्तों औसत आ गया 3480। अब हम देखते हैं कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो इनसे कम हैं, तो एक दो सॉरी दो नहीं ये नहीं दो तीन चार और पांच, पांच कंपनियां कम वाली पांच कंपनियां हैं, तो अधिक वाली 3 कंपनियां, कुल 8 ही हैं, इस तरह से अनुपात हो गया 5:3 का, 5:3 का अनुपात 5:3 हो गया। अब लिखा है 1997-98 कंपनी की आय 1994-95 से कितनी गुनी थी, तो 97-98 की आय देखिए 50-40 है, 50-40, और 94-95 की आय देख लीजिए, यहाँ पर 94-95 की आय जो 33-60 है, 33-60 की कितनी गुनी है, तो यहाँ पर अगर हम देख लें मोटा मोटे तौर पर, तो इनको काट दिया जाए 500।
डेढ़ गुना है, ये हुआ है लगभग लगभग डेढ़ गुना है ये। कुछ समय 36 पे आते हैं, देखते हैं 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी, तो इसकी औसत निकला हुआ था देखिए 3480, और ये सन पूछा गया है 1996-97, तो 96-97 में देख लीजिए कितना हुआ है, 96-97 में इधर हुआ है ये है 4320, यानी 4320 जो है वो 3480 का कितना प्रतिशत है, तो 3480 गुणे 100 काट दीजिए इसको, यानी लगभग में लगभग जो है 125% इसका उत्तर आएगा। लगभग 125%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 37 में लिखा हुआ 1997-98 में कंपनी की आय में 93-94 में तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि थी। अब देखिए 97-98 में कंपनी की आय कितनी थी ये देख लेते हैं, और 93-94 में आय देख लेते हैं। तो 97-98 की आय देखिए, 97-98 में 5040 इसकी आय थी, पाँच हजार चालीस 97-98 में 5040 इसकी आय थी, और 93-94 में आए, 93-94 में आए देख लीजिए 2520 थी। अब पूछा गया है कि तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, तो घटा लेते हैं 50-40 माइनस 2520, तो पूरा पूरा 2520 ही है ये, इसका डबल हुआ है। तो डबल जब भी डबल होगा तो इसका मतलब है 100% की वृद्धि हुई है, इसका सीधे सीधे आंसर ये आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 94-95 में 94-95 से 95-96 तक कंपनी के आय में लगभग कितने परसेंट की गिरावट आई है, तो 94-95 94-95 देख लीजिए कहाँ पर है, ये है 3360 वाला, 3360 से घट करके 95-96 में 3120 हो गया। पूछा गया कितना गिरावट आई है, घटा लेते हैं 0-0 हो गया, 6 में से 2 हो गया, 4 हो गया, और फिर 3 में से 1 गया, 2 हो गया, इतनी गिरावट आई है 240 गिरावट आई है। लेकिन 240 गिरावट किस पर आई है, यह आई है 3120 पर, 3120 लगभग 7%। क्वेश्चन नंबर 29-39 पर आते हैं। क्वेश्चन 39 में देखिए लिखा हुआ है कि कक्षा 21 से 25 का बारहमासी घनत्व कितना है। तो दोस्तों बारहमासी घनत्व जो होता है उसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, और इसमें एक चीज बात और है, यहाँ पर जो इंटरवल दिया हुआ है, जो बीच का गैप दिया हुआ है, ये गैप इस प्रकार से है कि सतत नहीं है, लगातार नहीं है। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 बार 6 आ गया, यानी 1 का गैप आ रहा है, फिर 15 के बाद 16 आ रहा है, फिर 10 के बाद 11 आ रहा है। जब इस तरह का मिले क्वेश्चन का, अगर आपको वर्ग अंतराल मिलता है, तो क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले वाले लोअर लिमिट में से 0.5 घटाएंगे, यानी जितने का गैप है, गैप 5 और 6 के बीच में कितना गैप है, 5 से 6 के बीच में गैप है 1, 1 का गैप है यहाँ पर, तो 1 का यहाँ पर आधा कर देंगे, हो जाएगा 0.5, यही हम घटाएंगे तो 21 में से 0.5 घटाएंगे, ये हो जाएगा 20.5, और फिर 25 में यही जोड़ेंगे 0.5 को, तो हो जाएगा 25.5, इन्हीं के बीच का अंतर निकालेंगे, तो अंतर हो जाएगा, अंतर निकालने जा रहे हैं, अंतर आएगा यहाँ पर देखिए 25 में से 20 जाएगा 5, तो अंतर आएगा 5 का, तो 5 का अंतर आ रहा है। उस तरह से अगर डायरेक्ट आप अंतर निकालते हैं तो 4 आता है, जो कि रॉन्ग होता है,
तो अंतर यहाँ पे क्या आएगा, 5 का। अब 5 के अंतर से 20 को डिवाइड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी अपॉन इनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस। तो एफ यानी 20 अपॉन 5 ये हो जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा 4। हिस्टोग्राम एक प्रकार का ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम जो ग्राफ होता है वो आवृत्त का ग्राफ होता है, आवृत्त आरेख होता है, इसका ये पार्ट सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं कि बहुत ही आसानी से लग जाएंगे, कुछ में थोड़ा टफ है। एक त्रिभुज क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं बीच के सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ये आधा होता है। एक एक त्रिभुज क्षेत्रफल समान आधार, आप एक एक डायग्राम की कल्पना करिए, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज जो है, ये जो त्रिभुज है इसका आधार जो है ये चतुर्भुज का आधार है, और इसमें के बीच की जो दूरी है, ये दूरी जो है ये समांतर रेखा के बीच की दूरी है, यानी आधार तो चतुर्भुज का सेम है, ऊंचाई भी सेम है। ऐसे अवस्था में देखिए ये त्रिभुज जो है आधा आधा है इसका, चतुर्भुज का, तो यहाँ पर हो जाएगा कि हाफ। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। ये त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर 13, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और ए बी सी है, ए बी सी, ए सी दिया है 13, 13 यानी कि कर्ण हो गया, और ए बी बराबर दिया है 12, तो 13 स्क्वायर माइनस 12, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 169 माइनस हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा जो है बी सी का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर में 25, बी सी बराबर हो जाएगा 125 बराबर 5। ये तो मुझवानी क्वेश्चन है। अगला द्विघात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण मूल है, आपको निकालना है कि इसके मूल क्या होंगे, तो यहाँ पर लग जाएगा पाइथागोरस, वो सॉरी सीधाचार, सीधाचार लगा देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। सीधाचार देखिए लगाने जा रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, इसकी तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर लीजिए इसकी, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1, बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4, सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 4, सी इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया। अब सीधाचार लगाएंगे तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दो से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 प्लस माइनस रूट 5, इसका उत्तर ये वाला हो जाएगा, दो कॉमन लेके काटेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है, उसे अपना मोबाइल किस दर बेचना चाहिए कि उसे 30% का लाभ हो। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, जो लोग परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, अच्छा कमांड रखते हैं, उनके लिए कुछ नहीं क्वेश्चन में। देखिए हम लगा रहे हैं क्वेश्चन, 1820 30% की हानि वहन करता है, तो इसका क्रय मूल्य हो गया ये 30%, यानी कि ये क्रय मूल्य हो गया, इसी पर आपको 30% का लाभ लेना है, तो 130/100 हो जाएगा, आप 100/100 काट दीजिए, 0/0 कट जाएगा, 7 से 7 2 14, 4 7 6 42, 0 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 3380। ये वाला क्वेश्चन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, तो राहुल देखिए राहुल का वेतन मोहन के वेतन, राहुल के वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, तो ये हो गया 120। राहुल को अपने वेतन पर 30% वृद्धि मिली, राहुल को अपने वेतन पर 30% वृद्धि मिली, 120 का पर 30% वृद्धि का मतलब यही हो गया, इसको आप साल भी कर लीजिए, तो हो गया 12 3 36, 6 3 12 कम 12 3 15, 156 रुपया हो गया। और मोहन को अपने वेतन में 40% वृद्धि मिली,
तो 100 गुणे 140 बटा 100, ये हो गया 140। अब वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने % अधिक है? ये अधिक कितना है? 16। तो राहुल का वेतन मोहन के वेतन से, तुलना मोहन के वेतन से हो रहा है, ये आंसर आएगा आपका 16 गुणे 100 बटे 140। इसको सॉल्व कर लीजिए। दो से काट दीजिए, 2 8 16 2 7 14 0 यहाँ कट जाएगा, 80 बटे 7, तो ये 11 लगभग कुछ परसेंटेज आएगा, 11 थोड़ा ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर लगभग में 11% हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। देखिए लघुत्तम क्वेश्चन है ये, भिन्न का लघुत्तम, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो भिन्न का लघुत्तम बराबर क्या होता है? अंश का लघुत्तम बटे हर का महत्तम, यानी थ्री टू फोर का एलसीएम, 8 6 7 का एचसीएफ। इसका एलसीएम निकालिए, देखिए 12 आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ आ जाएगा 1, आंसर आ गया 12। सही है, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 और एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 है, तो संख्याओं छोटी संख्या क्या, छोटी संख्या जो होगी 11 गुणे 13 होगी। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 11 गुणे 17 हो जाता है, ये गुणा कर लीजिए 143 आ जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, सामान्य चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी गई है 8 और 6, ये सामान्य चतुर्भुज है। इसकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा की माप क्या होगी? दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 और 6 दिया हुआ है। देखिए ये 8 है, ये एक ये 8 दिया है और ये 6 दिया है, ये 6 दिया हुआ है, तो 8 और 6 दे दिया है। और यहाँ पर फिर पूछा गया है कि एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा अनुमानित लंबाई, अनुमानित लंबाई दिया हुआ है। अनुमानित लंबाई मतलब आप आइडिया लगा बताइए कि क्या हो जाएगा, ठीक है? तो इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये 8 है, ये पूरा पूरा 8 है, तो ये 4 हो जाएगा, अर्धक होता है ये, और इसी तरह से ये पूरा 6 है तो ये 3 हो जाएगा, और 4 3, और ये भुजा दिया है 5, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है, तभी 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर, ये 3 9 + 16 = 25, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है ये 90° का कोण होगा और ये जो है हो जाएगा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज होने की वजह से विकर्ण समकोण पर काटते हैं तभी जब जब चतुर्भुज या तो वर्ग हो या फिर वर्ग या फिर समचतुर्भुज हो, दोनों ही अवस्थाओं में भुजाएं बराबर होंगी, तो इस समय ये तभी कंडीशन हो सकता है जब भुजा बराबर है, यानी कि इसका समचतुर्भुज होना तय है और इसकी अगली भुजा हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं बराबर होंगी इसमें, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, विकर्ण समकोण पर अगर काट रहे हैं तो फिर वो या तो वर्ग होगा या फिर समचतुर्भुज होगा, और यहाँ पर समचतुर्भुज ही हो सकता है क्योंकि विकर्ण जो है वो छोटे बड़े भी हैं, छोटे बड़े विकर्ण होने की वजह से विकर्णों की लंबाई समान नहीं होने की वजह से समचतुर्भुज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज का परिमाप 120 दिया, समचतुर्भुज यानी कि सभी भुजाएं बराबर,
120 दिया है, तो 120 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए तो 30 हो गया, तो 30 30 सब हो गया। ठीक है, अगला क्या है, आगे क्या है, किन्हीं दो संबंध के बीच की दूरी 12 है, ये 12 दी गई है। क्षेत्रफल ज्ञात, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा और समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल यहाँ पर सेम होगा, तो 30 × 12 यानी आधार गुणे समांतर ऊंचाई 12 × 36 360 हो जाएगा। यानी जो जो फार्मूला सम चतुर्भुज का है वो समांतर में लग रहा है और समांतर का सम चतुर्भुज में लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का कंडीशन सेम है। बारमार्ता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली क्या होती है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो ऑप्शन है वही सही होगा, बंद आकृति। बारंबारता बहुभुज एक प्रकार की बंद आकृति होती है। होता क्या है कि एक प्रकार की आयत चित्र बनता है, आयत चित्र के शीर्षों को मिलाने पर एक एक्स एक्सिस को मिलाते हुए एक बहुभुज बनाते हैं और ये कम्प्लीटली बंद हो जाता है, तो इस प्रकार से यह एक बंद आकृति होगी।